नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माय चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कई सारे पॉपुलर डिप्लोमा कोर्सेस डिग्री कोर्सेस और इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण एब्रीवेशन की फुल फॉर्म तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बी ए इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स एम ए एम ए की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्ट्स बी बी ए बीबीए की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एम बी एम बी ए की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पी जी डी एम पी जी डी एम की फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट बी सी ए बी सी ए की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर अप्लीकेशन एम सी एम सी ए की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ कंप्यूटर अप्लीकेशंस बी कॉम बी कॉम की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कॉमर्स एम कॉम एम कॉम की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ कॉमर्स बी टेक बी टेक की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एम टेक एम टेक की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी बी लिव बी लिव की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एम लिव एम लिप की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी बी फार्मा बी फार्मा की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी एम फार्मा एम फार्मा की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ फार्मेसी नेक्स्ट इज बी आर्क बी आर की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर नेक्स्ट एम आर एम आर की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एल एल बी एल एल बी की फुल फॉर्म है लीगम बैकलॉरस इसे हिंदी में विधि स्नातक और इंग्लिश में मास्टर ऑफ लॉज कहा जाता है नेक्स्ट इज एल एल एम एल एल एम की फुल फॉर्म है लैटिन लीगम मैजिस्टर इसको हिंदी में कहते हैं विधि पर स्नातक और इंग्लिश में कहते हैं मास्टर ऑफ लॉज। नेक्स्ट सी ए इसकी फुल फॉर्म है चार्टेड अकाउंटेंट नेक्स्ट इज बी एस सी ए जी इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर नेक्स्ट इज एम एस सी ए जी इसकी फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर इसके बाद है डी एस सी ए जी इसकी फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर इसके बाद है बी एच एम एस इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी नेक्स्ट इज एम डी इसकी फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नेक्स्ट इज ए एन एम इसकी फुल फॉर्म है ऑगजिलरी नर्स मिडवाइफरी नेक्स्ट वन इज बी एम एस इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी नेक्स्ट इज बी डी एस इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी नेक्स्ट इज एम बी बी एस इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी दोस्तों हमारे यहाँ बेसिकली दो तरह के कोर्स होते हैं एक होता है डिप्लोमा कोर्स और एक होता है डिग्री कोर्स डिप्लोमा कोर्स इसकी अवधि एक महीने तीन महीने छह महीने एक वर्ष या दो वर्ष हो सकती है ये अलग अलग कोर्स पर डिपेंड करता है और एक होता है डिग्री कोर्स डिग्री कोर्स में दोस्तों एक स्नातक की डिग्री होती है और स्नातक की डिग्री करने के बाद हम करते हैं पर की डिग्री स्नातक को इंग्लिश में कहते हैं बैचलर डिग्री और पर की डिग्री को इंग्लिश में कहते हैं मास्टर डिग्री चलिए नेक्स्ट एब्रीवेशन की फुल फॉर्म देखते हैं नेक्स्ट इज बी एड बी एड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन इसके बाद है एम एड एम एड की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ एजुकेशन नेक्स्ट इज बी टी सी बी टी सी की फुल फॉर्म होती है बेसिक टीचिंग कोर्स नेक्स्ट इज बीई इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग नेक्स्ट इज एम ई एम ई की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग नेक्स्ट इज पी जी डी सी ए डी सी ए की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन नेक्स्ट इज डी लेट की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर इसके बाद है एम फिल एम फिल की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ फिलोसफी नेक्स्ट इज पी एच डी पी एच डी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी नेक्स्ट इज एन ई टी नेट नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दोस्तों इसके बाद है सी डी एस इसकी फुल फॉर्म होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज नेक्स्ट इज एन डी ए एन डी ए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी नेक्स्ट इज टीई टी TET की फुल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसे हिंदी में कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा की full form होती है Central Teacher Eligibility Test. इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा नेक्स्ट इज B.P.Ed B.P.Ed की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन नेक्स्ट इज एम पी एड एम पी एड की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसके बाद है क्लैट सी एल ए टी क्लैट की फुल फॉर्म होती है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट दोस्तों ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके बाद है कैट सी ए टी इसकी फुल फॉर्म है कॉमन एडमिशन टेस्ट ये भी एक एंट्रेंस एग्जाम है इसके बाद है जे ई ई जे ई ई की फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम ये भी एक एंट्रेंस एग्जाम है नेक्स्ट इज एन ई टी नीट नीट की फुल फॉर्म है नेशनल इलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इसके बाद है आई बी पी एस आई बी पी एस का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इसके बाद है दोस्तों एस एस सी एस एस सी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग इसके बाद है यूपीएससी यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसको हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग नेक्स्ट इज आईआईटी आईआईटी की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी नेक्स्ट इज आईटीआई आईटीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसे हिंदी में कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों इस समय कंप्यूटर से रिलेटेड एक बहुत ही पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है जिसको कहते हैं सी 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 यानी कि ट्रिपल सी इसकी फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप कमेंट करके हमें सुझाव भी दे सकते हैं दोस्तों अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक करिए थैंक्स फॉर वॉचिंग